किनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, कन्या राशि वालों, 2023 में तीन राजयोग और धनाढ्य राजयोग का जादू चलने से आपकी किस्मत बदलने वाली है। कन्या राशि वालों, पिछले काफी समय से जो चल रहा है वह आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। यदि आपका भी जीवन विभिन्न समस्याओं, बाधाओं और कष्टों से घिरा रहता है तो अब रोने के दिन खत्म होने वाले हैं। यदि व्यापार में दिन रात मेहनत करते हुए भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, परिवार में कलह, मन मुटाव, कर्म क्षेत्र में भी आप उलझन में फंसे हुए हैं, मानसिक चिंताएं हो रही है, लेकिन अब इन सारी चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि इस नए साल में जिंदगी एक नई दिशा की ओर ले जाने वाली है और इन बदलाव का कारण भी होगा ग्रहों की स्थिति। तो यह वीडियो स्किप के बिना जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 2023 को लेकर चार बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई बड़ी भविष्यवाणी की है, कोरोना को लेकर, बड़ी दुर्घटना को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, देश के अर्थतंत्र को लेकर, और वह सारे सच भी हुई है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके या हमारे पुराने वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2023 कन्या राशि के जीवन में क्या गुल खिलाने वाला है। कन्या राशि फल 2023 के अनुसार नए वर्ष में नए उषाकाल में पूरा वर्ष प्रसिद्धि, पहचान, वाहवाही व शान से चमकने का रहेगा। अब सभी की सभी इच्छाएं एक साथ ही आपकी झोली में तो नहीं आएगी, लेकिन उन्हें बटोरने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि धन की देवी महालक्ष्मी का धनाढ्य राजयोग के साथ आपके जीवन में विभिन्न तरीकों से धन प्राप्त होगा। जो व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए धन को लेकर नई संभावनाएं और वृद्धि लेकर आएगा। तो जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी के अलावा अन्य जगह से कई स्रोतों से लाभ लेकर आएगा, क्योंकि 2023 के प्रारंभ से ही एक बार फिर से संकल्प पूर्ति के लिए अब कार्य में जुड़ जाएंगे, जिसके कारण जो जातक किसी नई परियोजनाओं को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं वह जनवरी फरवरी के प्रारंभ से ही शुरू कर सकेंगे और वहां पर आसानी से सफलता भी प्राप्त करेंगे। किसी स्थायी नौकरी या फिर कार्य की तलाश के लिए जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं उन्हें भाग्य की रोशनी स्थायी नौकरी कार्य प्रदान करेगी। यहाँ तक वर्ष के आखिर में सरकार का बड़ा निर्णय आपकी अस्थायी नौकरी को स्थायी कर सकता है। कन्या राशि के जो जातक अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए किसी संगठन से जुड़ना चाहते हैं या खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर अन्य राज्य या फिर विदेश में जाना चाहते हैं, वो मानकर चल सकते हैं कि आपका सपना पूर्ण होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिलेगा तो मित्र, भाई बहन या फिर कंपनी भी आपके लिए बड़ी सौगात दे सकती है। 17 जनवरी से लेकर 29 मार्च के बीच गुप्त सौदे, राजस्वी, कानूनी मुकदमा कुछ ऐसे विषय होंगे जिनसे आपको लाभ होगा। तो मार्च के तुरंत बाद जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी जिन्हें कई महीनों से सालों से बेचना चाहते थे वह उचित दाम पर बिकेगी, क्योंकि मंगल का परिवर्तन आपके लिए धन के साथ नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भाग्य के सहयोग के चलते नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रमोशन के साथ साथ कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जिसके कारण कुछ महीनों के दौरान आपकी पदोन्नति होगी। जो अपने घर से बहुत दूर कार्य कर रहे हैं तो 2023 की भविष्यवाणी के अनुसार आपको घर के पास आने का न केवल अवसर मिलेगा लेकिन आपका इच्छित जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। कन्या राशि के जो जातक व्यापार, कमीशन, दलाली, अभिनय, उच्च शिक्षा से संबंधित है वह नए संपर्कों के चलते लाभ में रहेंगे। चाहे पूरे वर्ष के दौरान मनोरंजन देव बेलाव के साथ गर्म जोशी और रोमांटिक मूड आप पर हावी होगा तो आपकी दोस्ती अब प्रेम में तब्दील हो जाएगी। यहाँ तक जो अभी तक सिंगल है और किसी साथी की तलाश में है उनको सामने से कोई प्रपोज भी कर सकता है, यानी कि प्रेम राशि फल 2023 के अनुसार यह साल प्रेम एवं देह सुख से वंचित नहीं रख सकता। सबसे बड़ा लाभ सामाजिक और आर्थिक जीवन को लेकर मिलने जा रहा है। जो धन को लेकर चिंतित है, व्यापार में पैसा नहीं मिल रहा था, उद्योग व्यवसाय मंद गति से चल रहे थे, वह पुनः योद्धा के माफिक व्यापार की रणभूमि पर जीवंत हो जाएगी और यह कोई जादू नहीं होगा बल्कि आपके बदलते हुए नजरिए का ही नतीजा होगा। जिस फाइल को आप अप्रूवल करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वह 2023 में हो जाएंगे। शासन प्रशासन से जुड़ी मंजूरी मिलेगी, व्यवसाय के लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय में प्रगति की संभावना बनेगी, व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी, साझेदारी एवं सहयोग से धन प्राप्त होगा, जिसके कारण
आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जो कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, वह भी 2023 में आसानी से बाहर निकल जाएंगे। वर्ष के मध्य काल में अचानक व्यापार के लिए या फिर कार्य के लिए, नौकरी के, पढ़ाई के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। बड़ी यूनिवर्सिटी एवं बड़े कॉलेज में आपका दाखिला आसानी से हो जाएगा, तो आप में से कुछ भाग्यशाली जातक विदेश में पढ़ाई के साथ कार्य की बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करेंगे। जो रियल एस्टेट, खनन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री, प्रकाशन, यातायात, टेक्सटाइल एवं प्लास्टिक के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कमाई हजारों में नहीं लेकिन लाखों करोड़ों में हो सकती है। इस वर्ष में किसी भी महीने में आश्चर्य तरीके से जमीन से आसमान तक पहुँचने का मौका मिलेगा। यानी कि कन्या राशि की हर जातक मानकर चल सकते हैं कि पूरे साल धन का अविरत प्रवाह आपके जीवन में चलता रहेगा। नौकरी में परिवर्तन और कार्य में बदलाव चाहने वाले व्यक्ति नई जगह पर कार्य संभालेंगे। खासतौर पर आपको मल्टीनेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपनी से भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रस्ताव मिल सकता है, जिन्हें आप स्वीकार कर जीवन की नई इनिंग प्रारंभ करेंगे। सालों का इंतजार उनके लिए खत्म होगा जो साथी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। जी हाँ, रिलेशनशिप अब विवाह में तब्दील हो जाएगी, तो वह युवा भी साथी से वंचित नहीं रहेंगे जो विवाह की कामना करते हैं। विवाह योग आपको निश्चित तौर पर उचित प्रियतम प्रदान करेगा। निसंतान दंपतियों को भी संतान का सुख मिलेगा। हालांकि इस वर्ष के दौरान वाणी, बर्तन और व्यवहार को संभालना होगा। माता पिता से अनबन हो सकती है, सहकर्मी एवं शत्रु परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए व्यर्थ की यात्राएं और मानसिक थका देने वाली स्थितियों से दूर रहने का प्रयास करें। यह था कन्या राशिफल 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरी।